एक भक्तमाल जी में कथा आती है, सावधानी से सुनो। महाराष्ट्र के पंडरपुर में एक वैष्णव भक्त थे, उनका नाम था त्रिलोचन दास। अपनी युवावस्था में ब्याह के बाद उनको कोई संतान नहीं हुई, तो वो निश्चिंत रहे, चिंता नहीं की। उन्होंने कहा, श्री पंडरीनाथ भगवान ने हमको संतान नहीं दी, क्यों? क्योंकि पंडरीनाथ भगवान हमारे पुत्र हैं, वे ही हमारे पुत्र के रूप में हैं, इसलिए हमको उन्होंने कोई संतान नहीं दी। ऐसी भावना वो रखते थे। किसी वैष्णव संत की उन्होंने कथा सुनी, उस कथा में गऊ ब्राह्मण संत सेवा, इसको सर्वाधिक श्रेष्ठ जान करके उन्होंने संत सेवा शुरू कर दी अपने घर में। तो रोज क्या करते थे, अपने घर के बाहर खड़े हो जाते, जो पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान, पंडरपुर का नाम सुना है आप लोगों ने? पंडरपुर में भगवान कृष्ण का अद्भुत मंदिर है। वहां पर भगवान कृष्ण दोनों कमर पर ऐसे भुजा रख करके और ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, उनका नाम है विट्ठल, श्री विट्ठल भगवान, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। एक पुंडलीक नाम का उनका भक्त था, वो अपने माता पिता की इतनी सेवा करता था कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान उसको दर्शन देने गए। जब द्वारिकाधीश उसको दर्शन देने गए, तो भगवान के अंग से निकलने वाले प्रकाश, भगवान के इत्र की सुगंधि, भगवान के आभूषणों की खनक से वो बड़ा चिंतित हो गया और कहने लगा, कौन है भाई इतना प्रकाश कर रहा है, इतनी सुगंधि आ रही है, इतनी गहनों की आवाज आ रही है, कौन है? तब लक्ष्मी जी ने कहा, पुंडलीक, भगवान आए हैं तुमको दर्शन देने। वो अपने माता पिता के चरण दबा रहा था, तो उसने कहा, मैंने तो बुलाया नहीं भगवान को, क्यों आए हैं? बोले, भैया तुम्हारी माता पिता की चरण में भक्ति इतनी दृढ़ है, उसको देख करके भगवान आए हैं। तो बोले, इनको पाने के लिए थोड़ी करता हूं, अपने माता पिता को सुख देने के लिए करता हूं। लक्ष्मी बोली, जिसके द्वार पर भगवान जाते हैं वो भगवान को आमंत्रण करने के लिए सिंहासन देता है। ठीक है, तुम सेवा कर लो, लेकिन भगवान को कोई आसन तो दे दो, खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए। पुंडलीक बड़ा चिंतित हो गया, ये और मेरे सिर पर बला आ गई है, भगवान को बोल रहा है, बुलाया है नहीं, अपने आप बिन बुलाए मेहमान बन के आ गए, अब घर पे और बैठेंगे मेरे आके। तो अब उसको कोई आसन नहीं मिला, तो पैर दबाते दबाते उसको एक नीचे ईंट मिली, तो उसने ईंट को खिसका दिया, ले लो आसन, खड़े हो जाओ इस पे। रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, बोले, बिल्कुल नहीं रुकोगे यहाँ पे, ऐसा अपमान करने वाले भक्त के यहाँ रुकेंगे हम? भगवान के नेत्र सजल हो गए, बोले, अब तो इसको दर्शन दे के ही जाऊंगा मैं, ये जब तक सेवा से मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक यही खड़ा रहूंगा। और जैसे कोई प्रतीक्षा करता है, किसी का इंतजार करता है, ऐसे ही भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए, दोनों भुजाओं को कमर पर रख के। आज भी वो पंडरीनाथ भगवान आज भी ईंट पर खड़े हैं। ऐसा अद्भुत मंदिर पूरे भारत में नहीं है, प्रत्येक मंदिर में आपको दूर से दर्शन होगा, लेकिन केवल श्री विट्ठल भगवान का मंदिर है जहां पर भक्त भीतर जाकर के पंडरीनाथ भगवान को गले लगा सकते हैं। गले लगाओ तब वहां से बाहर जाओ। जब गले लगाते हैं तो भगवान की इत्र की सुगंधि पूरे हमारे अंग में आ जाती है, इतना सुंदर मंदिर है, अद्भुत। तो पंडरीनाथ भगवान को त्रिलोचन जी अपना पुत्र मानते थे, ये कथा में बोल रहा था। त्रिलोचन जी ने संत सेवा शुरू कर दी, तो पंडरीनाथ भगवान, श्री विट्ठल भगवान के जो लोग दर्शन करने जाते थे, सबको बोलते थे, प्रसाद पाइए, प्रसाद पाके जाइए, प्रभु प्रसाद पाके जाइए। अच्छा, एक मैं नियम आपको बता के जाऊं, इस कथा के जो मुख्य आयोजक परिवार हैं, इस कथा के रूप में हम आपको कुछ दे पाए नहीं दे पाए, ज्ञान दे पाए नहीं दे पाए, हमारे हमें नहीं पता आप कितना ले पाओगे या हम क्या दे पाएंगे। ये मन का भाव है और मन से एक भाव प्रकट हो रहा है, पूरी करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखना भी नहीं, जो यजमान परिवार है उनसे कह रहे हैं हम, भगवान पे ही छोड़ना, वही पूरा करवाएंगे, लेकिन हो सके तो इस नियम को आप शुरू करवा देना। क्या? इस कथा के बाद हर हफ्ते,
हफ्ते का एक कोई विशेष दिन, और उस विशेष दिन में भी यदि महीने की एकादशी का ही, एकादशी नहीं द्वादशी, द्वादशी का ही दिन यदि आप लोग रखें तो गुना में एक दो घंटे का इसी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पूरा परिवार उठ करके एक छोटा सा अन्न क्षेत्र करे, राह पर चलते हुए जितने लोग हैं सबको गरम गरम खिचड़ी और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, ये महीने में जब जब द्वादशी आवे तो द्वादशी के दिन ये एक नियम इस कथा के एक फल के रूप में आप प्रारंभ कर दीजिए। और मैंने पहले ही कहा उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत रखना, उसकी जिम्मेदारी ठाकुर जी पर ही छोड़ देना, बोले आप ही पूरा कराओ। हमें कम से कम ये सांत्वना रहेगी कि हमने अपनी कथा के द्वारा गुना में, और आपको भी एक संतुष्टि रहेगी उस कथा से, हमारे गुना क्षेत्र में प्रत्येक द्वादशी को एक छोटा सा अन्न क्षेत्र चलता है। अन्न ब्रह्म है और उस अन्न का बल ही इतना तीव्र होगा, उस अन्न क्षेत्र का बल ही इतना तीव्र होगा कि वो अन्न ही इतना बल प्रदान करेगा कि इस जन्म क्या अनेक जन्मों तक आपके कल्प कल्पांतर तक आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अन्न से वंचित कभी नहीं रहेगा। अन्न की कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी। तो ऐसे सब लोगों को पूड़ी सब्जी है, खिचड़ी है, जो इच्छा हो, महीने में जब भी द्वादशी आवे एकादशी के अगले दिन ये एक अन्न क्षेत्र छोटा सा प्रारंभ करो, और उसकी कृपा क्या होगी, उसका बल क्या होगा, वो भागवत जी आपको स्वयं दर्शन करा देंगे। ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, रोज कर सको रोज करो, लेकिन द्वादशी को हो तो द्वादशी को करो, लेकिन ये अन्न क्षेत्र जरूर। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद भागवत के व्यास मंच की गरिमा जिन्होंने स्थापित की अनेकों वर्षों से, परम पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज, उन्होंने जहां जहां कथा शुरू की वहां वहां अन्न क्षेत्र शुरू कर दिए और आज तक उनके अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। तो भागवत कथा का सबसे बड़ा मूल्य यही है कि व्यक्ति उस क्षेत्र में जहां भी कथा हो वहां अन्न और ज्ञान इन दोनों से कभी वंचित ना रहे, यही भाव। तो त्रिलोचन जी सबको बुलाते थे, प्रभु प्रसाद नाम रखा था अन्न क्षेत्र का, बोले सब लोग आओ प्रसाद पाओ प्रसाद पाओ। अब वो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते थे कि 100 से 200, 200 से 500, 1000, अब तो प्रत्येक दिन 5-5 हजार लोग भोजन करते थे उनके यहां पर, और बनाने वाले कोई नहीं, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दो ही लोग, परिवार में और कोई था नहीं, संतान थी नहीं। सेवा करते 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 अति वृद्ध हो गए। अति वृद्ध होने के बाद में उन्होंने भगवान से केवल एक ही इच्छा रखी, प्रभु आपने हमें संतान तो दी नहीं, हमने आपको ही पुत्र माना है, लेकिन अब आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों बड़े वृद्ध हो गए, हमसे भोजन बनता नहीं है, सबको पवाने में बड़ी दिक्कत होती है, एक कोई वैष्णव भक्त हमको कोई एक नौकर मिल जाए जो हमारे यहां पूरी सब्जी रोटी साग चावल ये सब बना दिया करे और संतों को परोसवा दिया करे, तो 2 से 3 हो जाएंगे तो सहजता रहेगी। तो दिन रात भगवान से ही प्रार्थना करते थे एक बढ़िया श्रेष्ठ नौकर मिल जाए, एक कर्मचारी मिल जाए हमको। तो एक दिन श्री त्रिलोचन जी बैठे थे, इतने में ही ऊंची धोती पहन करके सर पर स्वाफा बांध करके बड़ा सुंदर सुकोमल स्वरूप सांवला सा एक नन्ना सा बालक त्रिलोचन जी के पास में आ गया। त्रिलोचन जी को आगे प्रणाम किया, बोले हाँ बेटा बताओ कहां से हो, कौन हो, क्या है? बोले हम काम ढूंढ रहे हैं, जो काम मिल जाएगा तुमको यहां पे, लेकिन कर पाओगे हमारे यहाँ काम? बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सवेरे शाम रोटी सब्जी बनानी है, संतों को पवाना है। तो नन्ना सा बालक कहता है ये तो मेरा युग युगों का काम है, ना जाने कब से करता आ रहा हूं मैं, संत गौ ब्राह्मण की सेवा तो मैं जाने कब से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी उसको देख के कहने लगे अभी तुम 3-4-6-7 वर्ष के तो दिखते हो और तुम कौन से जमाने से करते आ रहे हो,
अब वो कैसे बता मैं, वो तो भगवान है, भगवान तो हमेशा से गौ ब्राह्मण संत सेवा करते आ रहे हैं। एक पंचतंत्र की कथा में ये भाव बताया जाता है। एक नदी के किनारे एक कुकर ग्राम सिंह, जिसको साधारण भाषा में कुत्ता बोलते हैं, तो वो ग्राम सिंह गांव का शेर, वो ग्राम सिंह एक नदी के किनारे में रहता था, उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता था। वैशाख के महीने में उसकी पत्नी ब्याही थी, बालक हुए थे बहुत सारे, तो एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। जैसे ही बाढ़ आई तो बाढ़ आते ही इतना पानी आया कि उस ग्राम सिंह के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, इतना पानी तो हमने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। तुम्हारा जीवन ही कितना सा, एक महीना पहले तो तुम्हारा जन्म हुआ है, उसमें भी तुम क्या क्या देख लोगे। तो ठीक उसी प्रकार ये त्रिलोचन जी के पास में जो बालक आया वो कह रहा है, मेरा तो जन्म जन्मों का काम है, ना जाने कब से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी हंसने लगे, बोले अच्छा नाम क्या है तुम्हारा। बोले मेरा नाम अंतर्यामी है। बोले वाह बड़ा बढ़िया नाम है। तुम्हारे माता पिता कौन है। बोले मेरे कोई माता पिता नहीं है। बोले अच्छा हमारे यहां काम करोगे। बोले कर तो लूंगा लेकिन शर्तें हैं मेरी। त्रिलोचन जी बोले क्या शर्तें हैं। बोले सबका भोजन मैं बनाऊंगा लेकिन मेरा भोजन आपको बनाना पड़ेगा। सबके लिए भोजन मैं बना दूंगा लेकिन मैं अपने हाथ का बना हुआ भोजन नहीं पाता। ठाकुर जी पूरे विश्व को अन्न प्रदान करते हैं, पूरे विश्व को दाल चावल रोटी सब्जी सब देते हैं, लेकिन ठाकुर जी का भोग हमको ही बना के रखना पड़ता है। ठाकुर जी बोले सबको हम पवा देंगे लेकिन हमारा भोग आपको बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले ठीक है, छोटा सा बालक है, छोटा सा इसका पेट है, दो रोटी में पेट भर जाएगा। दूसरी बात बोले एक और शर्त है। बोले क्या शर्त है। बोले कि हम दो चार रोटी नहीं खाते। बोले कितनी खाते हो। बोले दो शेर आटे की रोटी खाएंगे हम। अब त्रिलोचन जी की पत्नी कहने लगी, सेठानी जी बोले कोई बात नहीं, पूरे दिन में तुम सबको हजारों लोगों को पवाओगे, एक आध शेर आटे की रोटी हम तुमको खवा दिया करेंगे, कोई बात नहीं। बोले एक और शर्त है। बोले तीसरी शर्त क्या है। बोले तीसरी शर्त यह है कि हम जितना भी खावे आपको खवाना पड़ेगा। कभी अगर ये बोल दिया बहुत पेटू है बहुत खाता है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मुझको कभी टोकना नहीं। बोले नहीं हम क्यों टोकेंगे, हम कभी नहीं टोकेंगे। भगवान की लीलाएं बड़ी अपरंपार है। आप लोग कभी उदयपुर की तरफ जावें राजस्थान, तो वहां हमारे श्री गोवर्धन नाथ भगवान विराजते हैं, श्रीनाथ जी। उनका स्वरूप कैसा है, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कमर पे। सबने चित्र में तो दर्शन किए लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत कम पता है नाथद्वार के बारे में। तो वहां श्रीनाथ जी का मंदिर है और श्रीनाथ जी के मंदिर में ही श्रीमद जगतगुरु वल्लभाचार्य जी के सेव्य ठाकुर जी, हजारों वर्ष पुराने ठाकुर जी हैं, इतने से लड्डू गोपाल हैं, हमारे अंगुष्ठ के बराबर के लड्डू गोपाल। उनका नाम है नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, प्रिय कहते हैं उससे प्रेम करने वाले, नवनीत प्रिया। तो श्रीनाथ जी का जो भोग लगता है, वैसे ठाकुर जी की भोग की पद्धति ऐसी है कि पूरी रसोई की जितनी सामग्री है वो सारी सामग्री ठाकुर जी के मंदिर में रखनी चाहिए। कैसे, भगवान के मंदिर के आगे पत्तल रख दो, नीचे ही किसी बढ़िया स्टूल पर पत्तल रख करके उसी में कड़ी की भगोनी, उसी में सब्जी का भगोना, उसी में ही रोटी सब्जी सब एक साथ पधरा दो, सब में तुलसी छोड़ दो, कक्ष बंद करके 20 मिनट के लिए ठाकुर जी को भोग लगाने दो। वो नहीं हो सकता तो थाली ठाकुर जी की लगाओ, थाली में ठाकुर जी का भोग लगा के फिर उस थाली को पुनः सब में मिला दो, ये भोग की प्रक्रिया होती है। तो नाथ द्वार में रसोई की सारी सामग्री श्रीनाथ जी के सामने आती है, फिर ठाकुर जी भोग लगाते हैं। लेकिन जो वो छोटे से नवनीत प्रिया जी हैं
वो अपनी गद्दी के सहित उठकर के रसोई में जाते हैं, वहां जाके भोग लगाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी के भोग में एक नियम है, क्या? मिष्ठान जो है, मीठा जो है, वो ठाकुर जी की तरफ होना चाहिए। जैसे आपने पूरी थाली लगाई तो ये जितनी भी खट्टी पदार्थ हैं या नमकीन पदार्थ हैं, दाल चावल आदि, इन सबको दूसरी तरफ रखो। मिष्ठान जो है वो ठाकुर जी के आगे सबसे पहले वही रखो, मीठा। ठाकुर जी पहले मीठा खाते हैं, उसके बाद फिर कुछ नमकीन खाते हैं, फिर मीठा खाते हैं, फिर कुछ नमकीन खाते हैं, ऐसे ठाकुर जी का नियम है। तो नवनीत प्रिया जी जो इतने से लाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनको रसोई में ले जाकर के भोग लगाया जाता है। तो उनका नियम है, सबसे पहले मिठाई रखी जाएगी, उसके बाद में पापड़ रखे जाएंगे, उसके बाद में नमकीन रखी जाएगी, उसके बाद में दाल चावल रोटी ये सब रखे जाएंगे। तो एक दिन पुजारी जी से गलती हो गई, ठाकुर जी की सिंहासन के आगे उन्होंने कड़ी रख दी, मिठाई की जगह कड़ी रख दी, और कड़ी रख दी और मिठाई रख दी दूर कहीं पर, मिष्ठान खीर आदि कुछ होगा। और जैसे कपाट लगा करके पुजारी जी चले गए, 20 मिनट बाद जब कपाट खोल करके देखा तो सिंहासन पर ठाकुर जी हैं ही नहीं। अब इतने से गोपाल जी, उनको कहां ढूंढें, साग सब्जी दाल चावलों में ढूंढ रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहे। सब जगह खोज लिया, नहीं मिले तो फिर छन्नी मंगाई, और छन्नी मंगा करके सारे रस पदार्थों को छाना गया, कहां गए ठाकुर जी। सबको छानते छानते अंत में जैसे ही वो कड़ी जो सामने रखी थी उसको जैसे ही छाना, उसमें ठाकुर जी मिल गए। तो पुजारी जी को लगा, वाह, आपको कड़ी इतनी पसंद है, अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी, अब तो 15 दिन तक रोज कड़ी कड़ी बन रही है महाराज, कड़ी का ही भोग लग रहा है और कुछ लगा ही नहीं रहे। बोले, इतनी बढ़िया लगी कि उसमें कूद गए। तो एक दिन पुजारी जी के सपने में रोते हुए भगवान आए। पुजारी जी बोले, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो, हमसे सेवा में कोई अपराध हो गया? बोले, तुम रोज कड़ी कड़ी खवा रहे हो। बोले, उस दिन आप कूद गए कड़ी में तो हमको लगा आपको प्रिय है इसलिए लगा रहे हैं। बोले, मुझे कड़ी प्रिय नहीं, मैं तो खीर खाने जा रहा था तो बीच में कड़ी पड़ गई, उसमें ही गिर गया मैं। बोले, कड़ी नहीं खीर का भोग लगाओ। तो ये सब अनुभव आपको भी होंगे यदि भाव से सेवा करोगे। तो त्रिलोचन जी ने कहा, त्रिलोचन जी से भगवान ने कहा, कभी हमसे ये मत कहना बहुत पेटू है, बहुत खाता है, यदि कहा तो हम चले जाएंगे। हमारे ठाकुर जी आते हैं हर कथा में, इतने से हैं श्रीनाथ जी, श्री गिरधर लाल, अभी उनका उत्सव चल रहा था, अभी सुबह आस्था भजन पर भी वो चल रहा है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक। तो 11 से 1 बजे तक अपने घर पर आप कथा सुनो, भोजन पाते जाओ, और 1 बजे फिर यहाँ आ जाओ, 2 बजे से फिर यहाँ सुनो। तो उनका उत्सव हम करते हैं हर वर्ष, इतने से ठाकुर जी, और उनका 56 भोग लगता है विशाल। पाते हैं ठाकुर जी को भोग, तीन चीज बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। सबसे पहला श्रृंगार, अच्छे अच्छे श्रृंगार हों, अच्छे अच्छे अलंकार हों। दूसरा ठाकुर जी को प्रिय राग, कीर्तन कथा ये सत्संग भजन ये सब ठाकुर जी को प्रिय है। और तीसरा ठाकुर जी को प्रिय भोग। बस ये तीन ही सेवा के स्वरूप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना, राग भोग और श्रृंगार। त्रिलोचन जी बोले, हमको कभी पेटू मत बोलना। बोले, कभी नहीं बोलेंगे। अब तो महाराज भगवान अंतर्यामी ने सेवा करना शुरू किया, कड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, अकेले बैठ करके बनाते हैं, और सब संतों को पवाते हैं, सबको पवाते हैं, सब लोग अपनी उंगली चाटते रह जाते हैं, ऐसा स्वाद। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये कि कितनी भी पंगत आ जाए कभी भी सब्जी कम नहीं पड़ती, और सबको पवाने के बाद फिर ठाकुर जी स्वयं बैठते हैं, सेठ सेठानी पूरे दिन बना बना के खिलाते हैं, पूरे दिन खाते ही रहते हैं। रात्रि में अपना भोग आदि से निवृत्त होकर फिर मालिश करते हैं, तेल लेकर के त्रिलोचन जी के पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, शरीर की पूरी मालिश करते हैं। वर्षों से सेवा कर रहे अंतर्यामी भगवान, उनकी सेवा से त्रिलोचन जी की वृद्धता चली गई, बिल्कुल युवा जैसे दिखने लगे। आस पड़ोस के सब लोग कहने लगे, बोले, महाराज तुम्हारे यहां बढ़िया नौकर आया है,
तुम्हारे दिन बदल दिए, देखना बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद युवावस्था आ गई तुम्हारी तो। लेकिन सेठ जी की पत्नी को सब कहने लगे, सेठ जी पर बड़ी कृपा की है तुम्हारे सेवक ने, लेकिन तुम अभी भी वृद्ध हो, तुम अभी भी बुढ़ी हो, क्यों? बोले सेवा इनकी करता, हमसे तो करवाता है वो, पूरे दिन रोटी बना बना के खिलाना पड़ता है उसको, बहुत पेटू है, बहुत खाता है। जैसे ही ये बात कही है, भगवान अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय हुआ, त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ढूंढ रहे हैं, बेटा अंतर्यामी कहाँ हो? पूरा घर खोज लिया, कक्ष खोज लिए, गली खोज ली, मोहल्ले खोज लिए, लेकिन नहीं मिले। इतने व्याकुल हो गए, अपनी पत्नी से पूछने लगे, तुमने कुछ कहा था क्या उसको? बोले नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर कहां गए? कहीं तुमने गलती से पेटू है बहुत खाता है ऐसा तो नहीं कहा? बोले कि मुझसे अपराध हो गया, मैंने अपनी सहेलियों से कह दिया था। ओहो, बस उसी बात को ध्यान करते हुए भगवान के मंदिर में गए। श्री पंडरीनाथ भगवान ईंट के ऊपर खड़े हैं, दोनों भुजा रख करके। त्रिलोचन जी रोने लगे, भगवान के चरणों में प्रार्थना करके बोले, आपने संतान नहीं दी हमने स्वीकार किया, आपने परिवार नहीं दिया हमने स्वीकार किया, लेकिन आपकी कृपा से एक वैष्णव भक्त नौकर मिला था हमको, अंतर्यामी, हमसे अपराध हो गया, वो हमें छोड़ के चला गया। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जीवन पर्यंत उसको देख देख करके जी लेंगे, लेकिन कृपा करके उसको वापस बुला दो। ऐसा कहकर के त्रिलोचन जी जैसे ही रोने लगे, भगवान से देखा नहीं गया और सामने खड़े हुए पंडरीनाथ भगवान ही अंतर्यामी के रूप में प्रकट हो गए और सेठ जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोले गौ ब्राह्मण संत सेवा के लिए कोई सेवक आपके घर नहीं आता है, यदि संत सेवा में किसी की अति निष्ठा है तो उसको मेरा ही स्वरूप मानिएगा, वो मैं ही आया हूं। साधारण मानव की संत में कभी इतनी निष्ठा नहीं हो सकती, मेरा ही अंश उसके भीतर जाकर के संत के प्रति निष्ठा को प्रकट करता है, वो मैं ही था। तो ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम भाव, ये श्रेष्ठ भाव, विश्वास के साथ प्रकट हो गए। तो भक्ति के तीन सूत्र में बता रहा था, विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण, ये तीन चीज कर लो बस।